राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो देखा था जहां पे लड़ाई हो रही होती है वंदे भारत के लोको पायलट्स के बीच में। ये क्या पूरा मैटर है, इसके ऊपर आज जो है चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो पूरी घटना है 2-3 दिन लगातार हुई है, और एक बार ये हुई है आगरा स्टेशन पे और एक बार हुई है ये गंगापुर रेलवे स्टेशन पे। यहां पे जो वंदे भारत ट्रेन इन्वॉल्व है वो है आगरा उदयपुर वंदे भारत। अब ना ये वाली जो ट्रेन थी ना, वो कोई इनॉग्रल या फिर न्यू सर्विस की तरह नहीं थी, रादर वो एक चेंज इन सर्विस थी। जो आपकी जयपुर उदयपुर वंदे भारत चलती है ना, उसके डेज ऑफ रन चेंज कर दिया गया था, और हफ्ते में 3 दिन के लिए उस ट्रेन को उदयपुर आगरा कैंट वंदे भारत बना करके चलाया गया था, ताकि वो टूरिज्म में थोड़ी सी हेल्प कर सके और बेसिकली ज्यादा पैसेंजर बटोरने में हेल्प कर पाए रेलवे की। तो यहाँ पे जो पूरी लड़ाई हम लोगों ने देखी, जो वीडियोस वगैरह हम लोगों ने वायरल वीडियोस देखे, जहाँ बहुत हाथापाई हो रही है और एक जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उसमें उनके कपड़े वगैरह जो है फाड़ दिए जाते हैं। तो ये जो सारा घटना था, ये जो सारा मैटर था, ये लड़ाई ना 2 डिविजन्स के बीच में हो रही है। एक हो रही है कोटा डिवीजन के बीच में और एक हो रही है आगरा डिवीजन के बीच में। अब इन दोनों के क्रू आपस में लड़ रहे हैं कि ट्रेन को हम चलाएंगे और ट्रेन को हम चलाएंगे। हालांकि इसमें से कुछ एक तरफ का जो डिवीजन है वो ये कह रहा है कि हमें बारी बारी से यूज कर लेना चाहिए, बारी बारी से ट्रेन को चलाना चाहिए, बल्कि दूसरी तरफ का जो वो है वो कह रहा है कि नहीं, पूरी ट्रेन हमारे डिवीजन में से होकर गुजर रही है तो ट्रेन का क्रू भी हम ही लगाएंगे। अब इसमें गलती किसकी है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ कुछ। रेलवे के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे रनिंग स्टाफ होता है, जैसे कि लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर, इनका जो पूरा कंट्रोल होता है ना, वो क्रू लॉबी से होता है, और इनकी जो मूवमेंट होती है मैक्सिमम तौर पे एक क्रू लॉबी से दूसरी लॉबी टू लॉबी मूवमेंट होती है। इन क्रू लॉबीज के अंदर डेडिकेटेड ऑफिसर्स एंड अलग अलग लोग होते हैं, रोस्टर बाबू बोलते हैं कुछ लोगों को, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आज इस ट्रेन के अंदर कौन सा क्रू जाएगा, और दूसरा उसी क्रू लॉबी में या उसी पूरे डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे ऐसे हायर ऑफिसर्स होते हैं जो कि ट्रेन चलने से काफ़ी पहले ये प्लान बनाते हैं कि क्रू मूवमेंट किस तरह से रहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस लॉबी का क्रू चलाएगा, यहाँ से यहाँ तक इस लॉबी का क्रू चलाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही डिस्कस की जाती हैं और मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर इनके ऊपर जो है अप्रूवल लिए जाते हैं, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं दिखता है इस केस के अंदर कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री लेवल पे अप्रूवल्स होते हैं कि कौन सा क्रू इस ट्रेन को चलाएगा, कहाँ से कहाँ तक क्या चलाएगा, ये पूरा जो प्लानिंग थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं ली गई, जिसके कारण हमें ये लड़ाई वगैरह पूरी यहाँ पे देखने को मिली। अब दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है इस टाइम गंगापुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, जहाँ पे सारे दरवाजे वगैरह बंद है ट्रेन के, जो मतलब ड्राइवर कैब में घुसने वाली जगह होती है वो सारे दरवाजे बंद है। स्टिल ये कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती ट्रेन में एंटर करते हैं, छोटी सी विंडो में से घुसते हैं और फिर गेट खोलते हैं, और उसके बाद अंदर जो ट्रेन मैनेजर बैठा होता है इनको बहुत बुरी तरह से जो है मारा पीटा जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं ना इन ट्रेन मैनेजर सर को देख के ऐसा लग रहा है कि इनको मैंने कहीं किसी ट्रेन में देखा है, और ये मुझे मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि इनको मैंने नई दिल्ली अमनडौरा वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन हुआ था उसके अंदर, ये नई दिल्ली से लेके अम्बाला तक इनकी जो है ड्यूटी थी, मुझे कहीं ना कहीं इनकी बाय फेस थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है, और इनके जो को मार मार के बुरी हालत जो है कर दी है, कपड़े वपड़े वहाँ पे जो है फाड़ दिए जाते हैं, जिसके ऊपर मुझे कहीं ना कहीं ना एक चीज़ लगती है कि यार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को इस पूरे मैटर को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। और यहाँ पे जो भी लोग ट्रेन को मतलब वंदे भारत ट्रेन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो घुसने की कोशिश हो रही है और जो मारातोड़ी की गई है, यहाँ पे इन लोगों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड क्लियर कट रिमूव फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। कोई यूनियनबाजी नहीं चलेगी, कोई किसी का सुना नहीं जाएगा, स्ट्रेट मतलब नथिंग। आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको सुनने का मौका भी नहीं दिया जाएगा आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया, स्ट्रेट अवे रिमूव फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी सी भी केयर नहीं है रेलवे एसेट्स को लेकर के कि उसको कैसे यूज करना है, तो कैसे उसका ध्यान रखना है, तो रेलवे की आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, आपके कंधों पे वो चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है ना। आप रेलवे के लिए एक प्रॉब्लम ही है आप एक तरीके से, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार ये लड़ाई क्यों हो रही है और ये इतना ज़्यादा मतलब लोग आगे क्यों आ रहे हैं कि हम चलेंगे क्यों हो रहा है, क्योंकि आज के समय में होता क्या है, वंदे भारत जो भी क्रू चलाता है उनकी थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा आती है, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रीमियम क्लास की ट्रेन चला रहे हो वो, और दूसरा प्रमोशन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, तो हर किसी को अपना प्रमोशन कराना है, हर पर्सन चाहता है कि मैं ज़्यादा सैलरी विड्रॉ करूं और ज़्यादा अपना टेक होम बढ़ाऊं, जिसके चलते हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई गाड़ी तो तेरा आज भाई चलाएगा, ठीक है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बहुत ख़राब चीज़ है, और इस पूरी रिपरकशन का जो खामियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन स्टेशनों पर ये ट्रेनें जो हैं बहुत नेक्स्ट लेवल जो है डिले होती हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।